गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम के बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे अब हम आए हैं और टॉपिक है हमारा स्टिलिंग्स अप्रोक्सीमेशन और स्टिलिंग्स फार्मूला। ये टॉपिक एक्चुअल में जो हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा इस प्लेलिस्ट में, उससे पहले आना चाहिए था और जो लास्ट लेक्चर है वो कम्प्लीट नहीं है तो उससे पहले का ये टॉपिक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कंसेप्ट पढ़ा है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक नंबर है 10, तो 10 का फैक्टोरियल है कि 10 का मल्टीप्लीकेशन विद 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे 1 तक, यानी हमने उसको एक एक नंबर घटाते हुए जाना है और उसको 1 तक लेके जाना है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर n दे दिया और उस नंबर n का फैक्टोरियल हमें मालूम करना है, तो अगर वो नंबर बच्चों छोटा है तो बहुत इजीली आप उसको कंप्यूटेशन के तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो 100 का फैक्टोरियल पूछ लिया तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके उसको बता सकते हैं। लेकिन जब n की वैल्यू लार्ज हो तो फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ लार्ज का मतलब देखिए बच्चों, हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम से कम एवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर के तो हम लेते ही हैं, यानी 10^22 के ऑर्डर का अगर हमारा एन है तो फिर इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है, यानी इट बिकम्स वेरी लेबोरियस टास्क। तो अगर एन लार्ज है और हमें उसका फैक्टोरियल मालूम करना है तो उसके लिए फिर हमारे स्टिलिंग्स अप्रोक्सीमेशन काम आता है, स्टिलिंग फार्मूला हमारे काम आता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये अप्रोक्सीमेशन लिया गया। तो प्यारे बच्चों, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टोरियल आई कैन राइट इट एज 1 × 2 × 3 × 4 and so on (n-1) अब दोनों तरफ हम नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, तो नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ln n फैक्टोरियल इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड सो ऑन एंड नेचुरल लॉग ऑफ n। देखिए पहले बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि जब आप लॉगरिथम लेते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे आपका ध्यान एक तरफ जरूर ले जाना चाहूँगा। हालांकि आपको मालूम भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं मालूम, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन और यू कैन से हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम ना हो, क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता लगा था। एक तो लॉगरिथम होता है पहले बच्चों ये लॉग ई, और एक होता है आपने देखा होगा लॉग। तो जो मैंने लिखा है ln वो ये है लॉग टू द बेस ई, और जब हम अकेला लोग लिखते हैं तो उसका बेस हम अंडरस्टूड होता है कि इट्स बेस इज टेकन एज 10। तो इसलिए ध्यान रहे कि ln ही लिखें आप या फिर लोग ई लिखें। नाउ डियर स्टूडेंट, जो राइट हैंड साइड में है हमारे पास, हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बाय यूजिंग आवर स्टैंडर्ड नोटेशन हम इसको लिख सकते हैं m फ्रॉम 1 to n नेचुरल लॉग ऑफ, यानी m की वैल्यू आप रखते जाइए, जैसे 1 रखेंगे तो आप log 1 आएगा, फिर समेशन मीन्स यू हैव टू एड इट प्लस, फिर m की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर ऐसे चलते जाएंगे n तक रखेंगे। तो ये और ये एक ही बात है। इसके साथ साथ बच्चों में यहाँ एक और बात हमें मालूम है कि log ऑफ 1 इज 0, नेचुरल log ऑफ 1 इज 0, तो आप इसको 2 से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म 0 है, फर्स्ट टर्म इसमें जो है 0 है, तो आप 2 से भी कर सकते, लेकिन हम इसको 1 से ही लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर n की वैल्यू लार्ज है, देखो ये बात आपको बार बार ध्यान भी रखनी पड़ेगी, मैं बार बार बताऊंगा भी, इफ n इज वेरी लार्ज तो आप जब देखो यहां पे जो n की वैल्यू है आप बाय यूनिटी चेंज कर रहे हैं, यानी 1, 2, 3 ऐसे एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। अगर हम लार्ज n लेते हैं तो फिर एक बढ़ाने से लॉग m की वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। देखो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं,
जैसे ध्यान से देखेंगे हम, लोग वन मैंने बताया जीरो है, लोग टू 0.7 है, लोग थ्री 1.1 है। तो इसमें डिफरेंस देखिएगा, पहले डिफरेंस है वन और टू में, लोग वन और लोग टू में 0.7 का, फिर लोग टू और थ्री में है 0.4 का, फिर आगे देखेंगे 0.3, 0.2, और यानी जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं लॉगरिथम की वैल्यू जो है वो कम बढ़ रही है। तो यहां आकर के इनका डिफरेंस कम हो गया है। ये तो कब है, जब हम 1, 2, 3, 4, 5 तक पहुंचे हैं। अगर हम बात करें इस ऑर्डर की और फिर एम की वैल्यू 1 बढ़ाएं तो उसमें कोई चेंज, इसमें एप्रिसिएबल चेंज नहीं होगा। यानी आप ये मान सकते हैं कि लोग 1000, नेचुरल लोग ऑफ 1000 और नेचुरल लोग ऑफ 1001 इज सेम, ऐसा मान सकते हैं। इवन आप यहां भी देख सकते हैं कि 15-20 के बाद जो इनका डिफरेंस है वो काफी कम हो जाएगा। ओके, तो अगर एन की वैल्यू बहुत लार्ज है तो लोग एम विल नॉट चेंज एप्रिशिएबली इफ एम इज चेंजिंग बाई यूनिट। और प्यारे बच्चों, ये जो समीशन आप देख रहे हैं यहां पे, एम फ्रॉम वन टू एन लोग एम, समीशन हमेशा डिस्क्रीट चीजों के लिए होता है। यानी वो चीजें जिनको आप अलग अलग देख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 इसको आप देख सकते हैं। मान लो आपके पास मार्बल है, वो जो बच्चे खेलते हैं ना कंचा, वो है आपके पास एक बर्तन में, तो आप उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जब क्वांटिटीज होती है तो आप समीशन यूज करते हैं। यहां पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं, आप इसमें देखिएगा, सबसे पहले कोई भी ग्राफ हो तो उसमें आपको ये देखना होता है कि ये ग्राफ किस किस के बीच में है। सो दिस ग्राफ इज बिटवीन एम एंड लॉग एम। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज, ये ग्राफ में जो ये व्हाइट मैंने बनाए हैं रेक्टेंगल्स, ये जितने भी रेक्टेंगल्स बने हैं ये सारे के सारे, इनको अगर हम ऐड कर दें, यानी एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि मेरा जो फर्स्ट रेक्टेंगल है इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस क्वांटिटी। ठीक है, ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसका वैल्यू जीरो, तो आप ये समझ लो इसके लिए ये है। और प्यारे बच्चों, अगला जो हमारी टर्म है उसका रेक्टेंगल ये बना, अगली टर्म का ये बना, और ये जो समेशन, अगर आप बात करें कि ये जो समेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली बाउंड्री, ध्यान रहे सिर्फ मैं ऊपर वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूं, इसके नीचे जो एरिया है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एरिया अंडर दीज रेक्टेंगल्स, या ये समझ लो इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया, और सारे को ऐड कर दीजिए, वो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब एक और लाइन मैंने यहां पे खींची हुई है, रेड कलर की जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल है वो तो ये सम को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रेड कलर की जो लाइन है, प्यारे बच्चों एक्चुअली दिस इज ए ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एम। और प्यारे बच्चों, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एम, जब एम की वैल्यू वन होती है, देखो इधर एम है, एम की वैल्यू वन है तो ये जीरो है, फिर टू है तो इट इज 0.7 है, दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटिंग लॉग टू, एट टू इट इज, एट टू इट इज लॉग टू, एट थ्री इट इज लॉग थ्री, एंड द वैल्यू ऑफ लॉग थ्री इज 1.1। और आप देखेंगे कि इसमें मैंने बताया था कि इसका जो डिफरेंस वो कम होता जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इसमें और इसमें जो फर्क है वो ज़्यादा है, फिर आगे जो फर्क है वो कम होता गया, यानी ये इक्वल नहीं है, दीज स्टेप्स आर नॉट इक्वल। जैसे जैसे आप आगे देखेंगे कि स्टेप्स कम होते जा रहे हैं, मैंने कहाँ तक बनाए, 7 तक बनाए। और अगर मैंने बात करा कि हम इस ऑर्डर की बात करें, इस ऑर्डर की बात करें, तो ध्यान से देखो ये जो मेरा जो रेड कर्व है, रेड कर्व अगर आप इसकी बात करें पहले पार्ट की, तो इससे डिफरेंट है। मतलब रेड पार्ट के नीचे का जो एरिया है उसको मैं थोड़ा रेड ही कर देता हूं, ये देखिएगा, ये रेड पार्ट के नीचे का जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, और जो व्हाइट रेक्टेंगल का एरिया है ये बिल्कुल अलग है, ये रेड वाला कम है। लेकिन अगर आप इस सेकंड रेक्टेंगल में आए, यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एरिया है ये रेक्टेंगल के एरिया से उतना कम नहीं है, यहां तो ऑलमोस्ट हाफ का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है। फिर अगर आप और आगे जाएंगे तो ये डिफरेंस और कम होता जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो ये मेरा जो रेड पोर्शन, रेड कर्व जो मैंने खींचा है, इसके अंडर का जो एरिया है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो एरिया, ये जो स्क्वायर के रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया है उसके बराबर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, सातवां जो हमारा रेक्टेंगल है, तो मैंने सेवंथ रेक्टेंगल बनाया है, उसका एरिया देखिएगा, और सेवंथ रेक्टेंगल के ऊपर से जो हमारा कर्व गुजर रहा है उसके अंडर का एरिया देखिएगा, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और पहले में जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, जैसे मैंने आपको बताया
कि हमने बात किसकी करनी है, वेरी लार्ज नंबर्स की। तो अगर आप 10^22 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां 5-7 की बात नहीं होनी है, 5-7 में तो डिफरेंस हो रहा है, लेकिन 10^22 इस ऑर्डर में डिफरेंस नहीं होगा। और 10^22 तो मैंने ऑर्डर लिया है, एक्चुअल में तो नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे उससे भी। जरूरी थोड़ी है कि हम एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स लें, एक मोल जितने पार्टिकल्स, हम ऐसे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स भी लेंगे। ये तो एक प्रकार से एक आइडिया दिया है। तो वहां जाकर के प्यारे बच्चों, ये जो रेड लाइन है और ये जो व्हाइट का जो इसका टॉप है, दे विल मर्ज विद ईच अदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि द एरिया, यानी आप ये कह सकते हैं, इफ एन इज वेरी लार्ज देन एरिया अंडर rectangles is equal to area under the curve means curve of log m। ये सब प्यारे बच्चों बराबर होगा। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा कि जो ये मैंने स्टेप्स बनाए हैं ना, इसमें ये जो है ये स्टेप सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे है, टिल्टेड है, बस पेन नहीं है, थोड़ा सा ऐसे झुकाव में है। और ये झुकाव जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, ये 7-8 के बाद, 7-8 क्या 4-5 के बाद ये खत्म हो जाएगा, लगभग सीधा हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पहला जो ये स्टेप है थोड़ा सा यूं है, दूसरा यूं है, तीसरा यूं है, और ये आगे जाके फिर ये भी सीधे हो जाते हैं। और हमें इनकी टेंशन भी नहीं लेनी 5-7 तक, तो हमें तो बात किसकी करनी, मैंने एन इज वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज का मतलब थाउजेंड और लैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस नंबर की, विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर, वेरी लार्ज नंबर इज दिस। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे मैंने बात की थी कि अगर हम बात करते हैं मार्बल की, कंचा की, तो कंचा क्या है, आप डिस्क्रीट सिस्टम, आप उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इन दैट केस वी आर यूजिंग द समेशन। और अगर हम इन कंचे का साइज घटा दें, ठीक है, मान लीजिए जो हम खेलते हैं उन कंचों के बजाय हम वो कंचा ले लें जो साइकिल में कई जगह यूज होती है, बहुत बारीक बारीक कंचा आपने देखा होगा, तो इसका जो डिस्क्रीटनेस है वो कम हो जाता है। और अगर हम उसका साइज और घटा दें, जैसे हमारे जो डस्ट रेत जो होता है, सैंड जो होती है, वो भी तो कंचा ही है, तो अगर आप वो ले लेंगे, है तो कंचा वो लेकिन बहुत बारीक है, देयर साइज इज वेरी स्मॉल, तो वहां पर डिस्क्रीटनेस आप देखेंगे खत्म हो जाती है, एंड एक कंटिन्यूम काइंड ऑफ थिंग वहां पर शुरू हो जाती है। कंचा अगर आप बर्तन से गिराते हैं तो यू कैन काउंट देम, हाँ ये 1, 2, 3, 4 है। रेत गिराते हैं तो ऐसा लगता है इसको लिक्विड गिर रहा है। इवन वाटर भी तो क्या है, वाटर भी तो कंचा ही है, सारे छोटे छोटे मार्बल्स ही तो हैं, मॉलिक्यूल्स क्या, छोटे छोटे मार्बल्स, वो इतने छोटे हो गए कि फिर वो हमें कंटिन्यूस लगता है। तो डिस्क्रीटनेस और कंटिन्यूस, अब ये डिस्क्रीटनेस है और ये कंटिन्यूस है। तो प्यारे बच्चों, ये जो वाइट जो रेक्टेंगल्स हैं, इनका जो एरिया है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस समेशन। अगर हम इस कंटिन्यूम की बात करें, जो रेड एरिया है, अगर आप इसकी बात करें, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, तो इन दैट केस when continuum, when discreteness tends to continuum, then our the summation will tend to integral, this integral from 1 to n log m dm। अगर हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ा है ठीक से, तो this area और this integral is represent area under the curve, ने पढ़ा भी होगी व्हाट एरिया अंडर द कर्व। सो प्यारे बच्चों, माय लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एन फैक्टोरियल इज फाइनली 1 to n ln m dm, विच इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया अंडर द रेड कर्व ऑफ लॉग m। अब प्यारे बच्चों, हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस एच डायरेक्ट को ऐसा फंक्शन हमारे दिमाग में आता नहीं जिसका डेरिवेटिव लॉग एम हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक ट्रिकी काइंड ऑफ थिंक करनी पड़ेगी हमें। इसको ऐसे करना पड़ेगा, लॉग एम इंटू 1 dm, यानी मेरे पास दो फंक्शन है, एक तो लॉग एम फंक्शन है, एक 1 है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। सो दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माई सेकेंड फंक्शन, and now I am going to integrate it by parts, so by parts integration। अब आपको ध्यान होगा कि
हाउ टू इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, फिर भी मैं याद दिला देता हूँ, मेरा अपना तरीका है। सो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आया लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉगरिथम एम एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एम एम इज एम। आगे लिखूंगा क्योंकि पीछे ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसको मैं आगे ही लिखूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस, इसका लिमिट भी देने पड़ेगा, फ्रॉम वन टू एन डेफिनेट इंटीग्रल है, माइनस इंटीग्रल ऑफ वन टू एन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इज लॉग एम तो इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों वन बाय एम, इंटीग्रल ऑफ सेकंड एन डी एम। तो मेरे पास आया प्यारे बच्चों एम नेचुरल लॉग एम लिमिट फ्रॉम वन टू एन माइनस एम से एम कैंसिल हुआ, अब डी एम का इंटीग्रल करेंगे एम एंड लिमिट इज अगेन वन फ्रॉम वन टू एन। अब इसमें बच्चों लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट इज एन लॉग एन माइनस एम की जगह वन लॉग वन, ये माइनस बच्चों अपर लिमिट इज एन माइनस करके लोअर लिमिट वन और एक माइनस आ गया तो इट इज प्लस वन। नाउ डियर स्टूडेंट्स दिस इज एन लॉग एन, दिस वन इज जीरो बिकॉज लॉग नेचुरल लॉग ऑफ वन इज जीरो, माइनस एन प्लस वन, दिस वन इज लॉग एन फैक्टोरियल। नाउ डियर स्टूडेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने कहा था कि बात हम बार बार बोलेंगे कि एन इज वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज मीन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^22। सो आप यहाँ एक क्वांटिटी रखेंगे 10^22, यहाँ एक क्वांटिटी होगी विच इज मल्टीप्लाइड विद 10^22, सो उसके सामने वन कुछ भी नहीं है। सो वन से बहुत बड़ा है एन, इसलिए हम क्या करेंगे वन कैन बी नेग्लेक्टेड, आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे और हमारे पास फिर क्या बचेगा प्यारे बच्चों लॉग एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन और स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। बट बच्चों अगेन कैप्ट इन माइंड ये आप तब नहीं अप्लाई कर सकते जब एन की वैल्यू 10 है 20 है, ठीक है। हालांकि 10 और 20 तक ये जो आंसर आएगा, अगर आप मान लो एन की वैल्यू 10 लेते हैं और फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इफ़ यू कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो उसमें डिफरेंस आएगा, काफ़ी डिफरेंस आएगा, लेकिन वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो एक फैक्टर ओवर एड होता है अगर एन की वैल्यू 10 20 30 तक होती हो, लेकिन हमें उसका टेंशन नहीं लेना है बिकॉज वी आर डीलिंग इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वेयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। सो दिस इज आवर स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।